सुप्रभात बच्चों, पुनः इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रही हूँ। अब आप कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ 4 गृह मार्जार तथा का अगला अंश देखिए। पहले तो थोड़ा मैं इसका संक्षिप्त सारांश बता दूं बच्चों। इसके पहले हमने वीडियो के माध्यम से इसका संक्षिप्त सारांश बताया था, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, पुनः मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। इस कहानी का संक्षिप्त सारांश, इसमें जैसा कि शीर्षक है गृह मार्जार कथा, गिद्ध और बिलाव की कथा। गिद्ध और बिलाव की कहानी के बारे में बताया गया है। दो पैराग्राफ आप लोगों ने देखा, उससे कुछ थोड़ी जानकारी मिली होगी कि एक बूढ़ा गिद्ध एक वृक्ष पर रहता था। प्रारंभ में तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे अपनी माता के साथ समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं, वहां उन बच्चों की माता अपने बच्चों को कहानी सुनाती है। वो कहानी ऐसे कि एक बूढ़ा गिद्ध एक वृक्ष पर रहता था, उस पर बहुत सारे पक्षी भी रहते थे, उन पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे थे। पक्षी अपने भोजन से कुछ हिस्सा उस बूढ़े गिद्ध को भी खाने को दे देते और उसके बदले में वो बूढ़ा गिद्ध पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता। एक दिन एक चतुर चालाक बिलाव उस वृक्ष पर आया, जिसे देखकर बूढ़ा गिद्ध उससे प्रश्न किया कि यहाँ छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे रहते हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो चतुर बिलाव अपनी मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातों से उस बूढ़े गिद्ध को बहुत प्रभावित कर लेता है और अपने आप को बड़ा धार्मिक बताता है, जिससे वह बूढ़ा गिद्ध उस पर विश्वास कर लेता है और वो वहीं रहने लगता है। धीरे धीरे करके एक एक कर वो पक्षियों के बच्चों को वृक्ष के कोटर में ले जाकर खाने लगा और पक्षियों के बच्चों की संख्या कम होने लगी, जिससे पक्षी चिंतित रहने लगे और एक दिन सभी पक्षी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकले। तो वह वृक्ष की कोटर में उन्होंने अपने छोटे छोटे शिशुओं के हड्डियों को देखा। उन्हें बूढ़े गिद्ध पर शंका हुई और सभी पक्षियों ने मिलकर बूढ़े गिद्ध को मार दिया। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम किसी अनजान चरित्र वाले, अनजान स्वभाव वाले, अनजान कुल वाले लोगों पर भरोसा ना करें, नहीं तो एक दिन वो हमें बहुत हानि पहुंचाते हैं। अब आप आइए तीसरे पैराग्राफ पर। दो पैराग्राफ हमने आपको समझा दिया है, अब ये तीसरा पैराग्राफ ध्यान दीजिए। तीसरा, मार्जारा मौदर अहम मनस विश्वास जाता। किताब खोल लीजिए आप लोग बच्चों, किताब में देखिए ये तीसरा पैराग्राफ मार्जारा मौदर विश्वास जाता है, पैराग्राफ का अंत। मार्जारा मौदर दूसरे पैराग्राफ में आप लोगों ने देखा था, कहानी वहां तक पहुंच गई थी कि जब बूढ़ा गिद्ध उस बिलाव से कहता है कि यहाँ पक्षियों के शिशु रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, अतः तुम यहाँ से दूर जाओ। अब आगे मार्जार मौदर बिलाव बोला, अहम पक्षी शावकान न मारिष्याम, अहम मैं पक्षी शावकान पक्षियों के बच्चों को ना मारिष्याम नहीं मारूंगा। नित्यम गंगायाम स्नात्वा, नित्य हमेशा गंगायाम स्नात्वा गंगा में स्नान करके
अहिंसा व्रतम पालयामि, अहिंसा के व्रत का पालन करता हूँ। भवान अपि, भवान अर्थात आप, अपि अर्थात भी, भवान अपि आप भी धर्मपरायण अस्ति, आप भी धर्मपरायण हैं, आप भी धार्मिक हैं। अतएव इसलिए धर्मवार्ताम श्रोतुम्, इसलिए धर्म की बातें सुनने के लिए अत्र आगतः अस्मि, यहाँ आया हूँ। मार्जारस्य वचनं श्रुत्वा, विलाव की बातों को सुनकर गृध्रस्य मनसि, गृध्र के मन में विश्वास जाता, विश्वास उत्पन्न हो गया, जातक जातक माने उत्पन्न हो गया। फिर देखिए मार्जारा होता, विलाव बोला, अहम पक्षी शावकान ना मारिष्यामि, मैं पक्षियों के बच्चों को नहीं मारूंगा। नित्यम गंगाया स्नात्वा, हमेशा गंगा में स्नान करके अहिंसा व्रतम पालयामि, अहिंसा के व्रत का पालन करता हूँ। भवान अपि धर्मपरायण अस्ति, आप भी धर्म को मानने वाले हैं, आप भी धार्मिक हैं। अतएव इसलिए धर्म वार्ताम श्रोतुम्, इसलिए धर्म की बातें सुनने के लिए अत्र आगतः अस्मि, यहाँ आया हूँ। मार्जारस्य वचनं श्रुत्वा, विलाव की बातों को सुनकर गृध्रस्य मनसि विश्वास जाता, गृध्रस्य मनसि विश्वास जाता, गिद्ध के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। आगे का पैराग्राफ बच्चों ध्यान दिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ये चौथा पैराग्राफ। ततः मांस लोभी मार जाता, तत्पश्चात मांस का लोभी विलाओ, प्रतिदिनम छलेन, प्रत्येक दिन छल से खग शिशुन कोटर नीत्वा, पक्षियों के बच्चों को कोटर में ले जाकर अखादत खाने लगा। कोटर में नीत्वा अर्थात ले जाकर अखादत खाने लगा। स्वशिशु नाम अभावे, अपने बच्चों के अभाव में खगा चिंतिता भूत्वा, पक्षी चिंतित होकर अन्वेषणार्थम, अन्वेषक मतलब खोजना, अन्वेषणार्थम खोजने के लिए इतस्तः इधर उधर आक्रमण भ्रमण करने लगे, घर घर घूमने लगे। ते एकस्मिन् वृक्ष कोटरे, वे एक वृक्ष के कोटर में शिशु नाम अस्थीनि, पक्षियों के बच्चों को अस्थीनि, अस्थियों को शिशु नाम अस्थीनि, बच्चों के अस्थियों को अपश्यन देखा। ते अचिंतयन, वे सोचने लगे, यत गृध्र एव, यत कि गृध्र एव, कि गिद्ध ही शिशुन खादति अशु, कि गिद्ध ही बच्चों को खा रहा था। अत एव, अतः सर्वे मिलित्वा, अतः सभी मिलकर तम गृध्रम हतवंता, उस गिद्ध को मार दिए, हतवंता मतलब मार दिए।
अतएव उत्तम, इसलिए ठीक कहा गया है। फिर से देखिए, ततः मांस लोभी मार्जारा, तत्पश्चात मांस का लालची बिलाओ प्रतिदिनम छलेन, प्रत्येक दिन छल से खग शिशुन कोटर नीत्वा, पक्षियों के बच्चों को कोटर में ले जाकर अखादत खाने लगा। स्वशिशु नाम अभावे, अपने पक्षियों अपने बच्चों के अभाव में खगा पक्षी चिंतिता भूत्वा, चिंतित होकर अन्वेषणार्थम खोजने के लिए इतस्ततः अभ्रमण, इधर उधर भ्रमण करने लगे, इधर उधर घूमने लगे। ते एकस्मिन वृक्ष कोटरे, वे एक वृक्ष के कोटर में शिशु नाम अस्थिन अपश्यन, बच्चों के अस्थियों को देखे। ते अचिंतयन, वे सोचने लगे यत गृध्र एव शिशु खादत अश्म, कि गिद्ध ही बच्चों को खा रहा था। अतः सर्वे मिलित्वा, अतः सभी मिलकर तम गृध्रम हतवंतः, उस गिद्ध को मार दिए, अतएव उत्तम, इसलिए ठीक कहा गया है। अब आगे देखिए, इससे हमें क्या संदेश मिलता है, युद्ध के बाद करके दिया गया है। अज्ञात कुलशीलस्य वासो देवो न कस्यचित, अज्ञात कुलशीलस्य, अज्ञात कुल के और अज्ञात स्वभाव वाले की, वासो देवो न कस्यचित, कस्यचित माने किसी को, वासो देवो न आश्रय नहीं देना चाहिए, अज्ञात कुल अज्ञात वंश वाले को और अज्ञात स्वभाव वालों को किसी को भी आश्रय नहीं देना चाहिए। अज्ञात कुल और अज्ञात स्वभाव वाले किसी को आश्रय नहीं देना चाहिए। इसका संक्षिप्त सार यही है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, नहीं तो एक दिन वह हमें बड़ी हानि पहुंचाते हैं। जैसे गिद्ध ने भरोसा कर लिया बिलाव पर और पक्षियों के बच्चों को धीरे धीरे करके खा लिया। ये पाठ खास आप लोगों का यही समाप्त होता है। अब इसके बारे में पुनः मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, इसको आप पढ़ते रहिए।